कुछ दिन पूर्व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता कुछ मांगों के चलते एमएसईबी के कार्यालय पहुंचे थे। उसमें से एक मांग ये भी थी कि परिसर में आने वाली परेशानियों को सुलझाने का प्रयत्न जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर नागपुर के आमदार और उत्तर नागपुर के ही ऊर्जा मंत्री होकर भी उत्तर नागपुर में ही अविकसित परिसर है। उत्तर नागपुर परिसर में अव्यवस्थित गटर लाइन, गड्ढों से भरे रास्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स की कमी, ऐसी दुर्दशा है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो एम्बुलेंस जाने के लिए भी रास्ते नहीं है। ऐसी परिस्थिति उत्तर नागपुर के कुछ प्रभागों में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर ऊर्जा मंत्री के आज होने वाले निवेदन से इन बातों का हल नहीं निकाला गया तो इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से कठोरता से नियोजन किया जाएगा। उत्तर नागपुर विधानसभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विभाग अध्यक्ष उत्तर नागपुर उमेश बोरकर, माननीय ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत साहेब हे या उत्तर नागपूरचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे ऊर्जा मंत्री, तसेच नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीसुद्धा आहेत। पण यांच्या निर्वाचन क्षेत्रामध्ये जिथून हे निवडून येतात तिथे इलेक्ट्रिकच्या समस्येपासून तर रोड चेंबर नाले एवढ्या समस्या आहेत, त्या सर्व समस्याचे निवेदन घेऊन आज आम्ही यांच्याकडे आलेलो आहे। सर्व उत्तर नागपूरच्या प्रभागातर्फे इथे आम्ही निवेदन द्यायला आलेलो आहे। समतानगरची परिस्थिती, आता पावसाळा यायच्या अगोदर यांनी तिथे विकास कामे करायला पाहिजे होते, त्यांनी एकही विकास काम केलेलं नाही आणि केलेले आहेत ते अपूर्ण केलेले आहेत। लोकांच्या घरी पाणी जाते, लोकांना जाल रस्ता नाही, तिथं गटर लाईन नाही, ह्या सर्व समस्यावर आज प्रभाग 2 नागरिक, प्रभाग 4 नागरिक सर्व आलेले आहेत। 4 दिवसापूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या एका आमच्या उत्तर नागपूर सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी एमएसईबीच्या कार्यालयामध्ये एक धडक दिली होती का तुम्ही 4 दिवसात या परिसरात ज्या काही समस्या असेल त्या सोडवण्याचा लवकरात लवकर प्रयत्न करा असं काहीच दिसत नाही। कारण की उत्तर नागपुराचे आमदार आणि उत्तर नागपूरचेच ऊर्जामंत्री असूनसुद्धा उत्तर नागपुरात मोठ्या प्रमाणात अविकसित परिसर आहे। कारण की इथं गटर नाही, रोड नाही, इलेक्ट्रिक पोल नाही, अशा परिसरामध्ये इमर्जन्सी काही रुग्णाची केसेस झाल्या तर तिथं ॲम्ब्युलन्स जाण्याचाही रस्ता नाही आहे, अशी परिस्थिती उत्तर नागपूरच्या काही प्रभागामध्ये आहे। VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।